नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। महाराष्ट्र में एक बार फिर से बाढ़ का कहर। लगातार महाराष्ट्र में मानसून की मार झेल रही आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। इससे पहले चिपलूण जैसे शहर को पूरी तरह से बाढ़ ने अपने चपेट में ले लिया था। कल रात हुई देरदार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। जलगांव के 750 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं और एक महिला समेत 500 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। कई गांवों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को वहां से रेस्क्यू कर रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग की खबरें भी निकल के आ रही, जिसकी वजह से हाईवे पूरी तरह से जाम है और यातायात प्रभावित हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि आने वाले 24 घंटे मुंबई के लिए भी ठीक ठाक नहीं रहेंगे, क्योंकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए मुंबईकर्स को चेतावनी दी है कि अगर आप घरों से बाहर निकलने की सोच रहे हो तो अभी फिलहाल 2 दिन घर से ही बाहर ना निकले और घर से ही काम करें, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में ऐसे हैं जहाँ पे पानी भर चुका है। मुंबई की कई सड़कें जो है पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगहों पे यातायात इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ है कि घंटों की जो है ट्रैफिक लगी हुई है मुंबई की सड़कों पे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सुरक्षित होंगे।